हेलो फ्रेंड्स, मैं फातिम मेहंदी आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रिपरेशन पर स्वागत करता हूं। आज हम एक नया टॉपिक स्टैटिक जीके में लेकर आए हैं, वो है करेंसी के बारे में। जो आरबीआई की नई करेंसी है उसका रंग क्या है, उसका साइज क्या है, इस तरह की सारी बातें हम इसमें देखेंगे। हम अपने पास नोट बहुत सारे रखते हैं लेकिन हमको उसके बावजूद भी जानकारी नहीं होती। तो दोस्तों शुरू करते हैं, आइए देखते हैं 2000 के नोट के बारे में। तो 2000 का जो नोट है उसका दोस्तों कलर जो है वो गहरे गुलाबी यानी मजेंटा है, और इस पर जो चित्र बना हुआ है यानी जो इसका मोटिफ है वो दोस्तों मंगलयान है, और इसका जो साइज है वो 66 mm चौड़ा है और ये नोट आपका 166 mm लंबा है। आइए दोस्तों बात करते हैं 500 के नोट की। तो 500 का नोट जो है दोस्तों उसका रंग जो है वो पथरीला भूरा है, इसे स्टोन ग्रे कहा जाता है। इस पर जो चित्र बना हुआ है, जो इसका मोटिफ है वो आपका लाल किला है, और लाल किला दिल्ली में है। आइए देखते हैं कि इसका साइज क्या है दोस्तों। तो ये 66 mm चौड़ा है और 150 mm लंबा है, यानी इसकी डायमेंशन यानी इसकी जो विमान है वो 66 mm मल्टीप्लाई 150 mm है। आइए दोस्तों बात करते हैं हम 200 के नोट की, कि जो आपका 200 का नोट है इसका कलर पथरीला भूरा है, सॉरी इसका कलर जो है वो चमकीला पीला है, और इस पर जो मोटिफ बना हुआ है, इस पर जो चित्र बना हुआ है दोस्तों वो है आपका सांची का स्तूप। आप देख सकते हैं नोट पर, चाहे तो अपने घर पर भी देख सकते हैं, और हम आपको दिखा रहे हैं कि इस पर जो चित्र बन रहा है पीछे वो आपका सांची का स्तूप बन रहा है। और दोस्तों सांची का स्तूप है कहां पर? मध्य प्रदेश में। अब बात करते हैं हम इसकी डायमेंशंस की, इसकी विमाओं की। तो इसकी विमा है वो 66 mm मल्टीप्लाई 146 यानी 146 mm है, यानी 200 के नोट की जो चौड़ाई है वो आपकी 66 mm है और लंबाई जो है दोस्तों इसकी 146 mm है। आइए बात करते हैं हम 100 के नोट की। तो 100 के नोट का जो कलर है दोस्तों वह है लेवेंडर। क्या कलर है इसका? लेवेंडर। आप देख सकते हैं कि इसका कलर लेवेंडर है। 2020 में जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसका भी कलर लेवेंडर ही था। इस पर जो चित्र बना हुआ है, इसके नोट के पीछे आप देखिएगा कि इस पर जो चित्र बना है वो रानी की वाव है। रानी की वाव है कहां पर? रानी की वाव आपकी गुजरात में है। बात करते हैं इसके साइज की। तो इसका साइज है 66 mm मल्टीप्लाई 142 mm, यानी 100 के नोट की जो चौड़ाई है वो आपकी 66 mm है और चौड़ाई जो है वो 142 mm है। आइए देखते हैं दोस्तों 50 के नोट की, कि 50 के नोट का कलर क्या है। तो दोस्तों 50 के नोट का कलर जो है आपका फ्लोरोसेंट नीला है, और इस पर जो चित्र बना है वो आपका रथ के साथ हम्पी है, और रथ के साथ हम्पी है कहां पर? आपका कर्नाटक में है। और इसके साइज की बात करते हैं तो 63 mm मल्टीप्लाई 135 mm है। ये 135 है दोस्तों, कितना है आपका? 135, यानी 63 mm इसकी चौड़ाई है और 135 mm इसकी लंबाई है। अब बात करते हैं 20 के नोट की, इसको आपको खुद चेक करना है। हम इसी को, इसका कलर जो हरा सा पीला है, इस पर जो चित्र बना है वो आपका एलोरा की गुफाएं हैं, और एलोरा की गुफाएं दोस्तों है कहां पर? आपकी महाराष्ट्र में। बात करते हैं इसकी साइज की। तो इसका साइज है 63 mm मल्टीप्लाई 129 mm, 20 का नोट 63 mm चौड़ा है और 129 mm लंबा है। इसको आपको खुद प्रैक्टिकल करना है, इसका देखना है। अब बात करते हैं 10 के नोट की। तो दोस्तों 10 के नोट का जो कलर है वो चॉकलेट भूरा है, और इस पर जो आपका मोटिफ है, इस पर जो चित्र बना हुआ है वो आपका सूर्य मंदिर कोणांक है, और सूर्य मंदिर कोणांक है कहां पर दोस्तों? ये आपका उड़ीसा में है। बात करते हैं इसके साइज की। तो दोस्तों इसका साइज है आपका 63 mm मल्टीप्लाई 123 mm, यानी 10 का नोट जो है आपका 63 mm आपका चौड़ा है और 123 mm आपका लंबा है। ये दोस्तों देखते हैं अगला कुछ अहम जानकारी से संबंधित। तो दोस्तों 1 रुपए से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो है कि 1 रुपए को कौन जारी करता है? तो दोस्तों 1 रुपए को जारी भारत सरकार करती है,
और 1 रुपए के नोट पर जो सिग्नेचर होते हैं वो आपके आरबीआई के गवर्नर के नहीं बल्कि वित्त सचिव के होते हैं। और करंट में इस समय वित्त सचिव आपके कौन है? अजय भूषण पांडे। और आपसे अगला क्वेश्चन है कि बताइए कि 1 रुपए के सिक्के पर किसके सिग्नेचर होते हैं? सिग्नेचर होते भी हैं या नहीं होते? अगर होते हैं तो किसके होते हैं? ये आपको जवाब देना है कमेंट्स बॉक्स में। 1 रुपए से जो ऊपर के सारे नोट वो आपका आरबीआई जारी करती है। कौन जारी करता है? आरबीआई। और 1 रुपए से ऊपर के सभी नोटों पर सिग्नेचर भी आरबीआई के गवर्नर के ही होते हैं, यानी चाहे 2 का नोट हो चाहे 100 का नोट हो, इस पर सिग्नेचर किसके होंगे? आरबीआई के गवर्नर के। और दोस्तों अब बात देखते हैं कि नोट पर कुल भाषाएं कितनी होती हैं। तो जो हम अपने पास नोट रखते हैं उस पर टोटल लैंग्वेज, टोटल भाषाएं हैं वो आपकी 17 होती हैं। 2 लैंग्वेज आपकी जो करंट होती हैं, हिंदी और आपकी इंग्लिश। इसके अलावा 15 लैंग्वेज, इसके पीछे एक छोटा सा बॉक्स होता है, आप बॉक्स में देखेंगे तो उसमें टोटल लैंग्वेज जो होती हैं आपकी वो आपकी 15 होती हैं। इसलिए कुल लैंग्वेज जो होती हैं आपकी 17 होती हैं। अब देखिए सिक्के होते हैं, चाहे वो 1 का सिक्का हो चाहे 5 का सिक्का हो, वो कौन जारी करता है? तो वो भारत सरकार जारी करती है। और भारत सरकार अधिक से अधिक आपका 1,000 रुपए का सिक्का बना सकती है। कितने का सिक्का बना सकती है? 1,000 तक का। लेकिन फिलहाल में जो है वो 10 रुपए तक का सिक्का बनता है। अब ये सिक्के बनाए कहाँ जाते हैं, इनकी टकसाल कहाँ है, जहाँ ये मिंट होते हैं? तो वो दोस्तों 4 जगह सिक्के बनाए जाते हैं, आपका कलकत्ता, हैदराबाद, मुंबई और नोएडा। इसके अलावा नोट आपको बताया कि सारे के सारे नोट जो बाजार में लाता है वो आपका आरबीआई लाता है, सिर्फ 1 रुपए के नोट को छोड़ के। अभी दोस्तों नोट बनते कहां पर हैं? तो नोट जो है वो भारत में 4 जगह बनते हैं। पहला है आपका देवास। देवास कहां पर है आपका? देवास है आपका मध्य प्रदेश में। दूसरा है आपका सालबोनी। ये सालबोनी जो है आपका वो कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। तीसरा आपका नोट बनते हैं आपका मैसूर, और मैसूर कहां पर है आपकी? कर्नाटक में। और चौथा है आपका नासिक। नासिक कहां है दोस्तों? यह है आपका महाराष्ट्र में। दूसरी बात कि आरबीआई अधिकतम कितने रुपए तक का नोट जारी कर सकता है, तो आरबीआई अधिकतम मैक्सिमम जो नोट जारी कर सकता है वो आपका 10,000 तक का नोट जारी कर सकता है। लेकिन फिलहाल करंट में जो है वो मैक्सिमम 2,000 तक का नोट है। आप बात करते हैं कि जो रुपए का प्रतीक होता है, जो आपने रुपए का प्रतीक देखते हैं, रुपए लिखा हुआ देखते हैं, वो कहाँ से लिया गया? तो वो एक स्टूडेंट थे आईआईटी के जिनका नाम था उदय कुमार। ये आईआईटी मुंबई के स्टूडेंट थे और इन्होंने 2010 में ये साइन दिया था जो कि भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। इसके अलावा भारत ऐसा 5वां देश है जिसकी करेंसी का सिंबल है, यानी टोटल 5 देश हैं ऐसे जिनकी करेंसी के सिंबल हैं। वो देश है आपका अमेरिका। अमेरिका का जो करेंसी और डॉलर है, डॉलर का साइन आपका ये रहा। इसी तरह से आपका ब्रिटिश की जो आपकी मुद्रा है, करेंसी है, वो है पाउंड, और उसका सिंबल आपका ये रहा। यूरो का सिंबल आपका ये रहा, और एक करेंसी है आपकी येन, और येन का आपका सिंबल ये रहा। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन हमारी नोट यानी करेंसी के बारे में। इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।